Welcome to English class of 10th. Today we shall read the chapter A Letter to God, यानी भगवान को एक पत्र. यह स्टोरी एक किसान के दृढ़ विश्वास यानी फिर्मली फेथ पर आधारित है. ऐसा कहा जाता है कि विश्वास अगर अडिग हो तो पर्वत यानी माउंटेंस भी जो है वह हिल जाते हैं. इन दिस लेसन वी रीड अबाउट अ फार्मर हुज नेम वाज लैंचो हु हैड फर्मली फेथ इन गॉड. व्हेन हिज क्रॉप्स failed, he writes a letter to God asking for 100 pesos. yani lancho namak ek kisan jo apne fasal barbad ho jane par ishwar ko 100 paise ki demand ke liye ek patra likhta hai. is kahani mein We shall know about does Lancho letter reach God? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुँचता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर उसको उसका पैसा भेजते हैं? Lancho's house was situated इन द टॉप ऑफ ए हिल. यानी उसका घर जो है एक पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. द ओनली थिंक द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पॉर एट ए लिस्ट ए सावर. और उस पर्वत पर सिर्फ अकेला जो है उसका घर जो है स्थित था. यह इतने हाइट पर था कि वहाँ से जो है सब कुछ जो है नदी पकी फसल खेत फूलों से लदे हुए ये सारे सीन जो है देखे जा सकते थे. पृथ्वी को सिर्फ एक वर्षा डाउनपोर यानी पानी की लिस्ट ए सावर कम से कम एक बौछार बारिश हो जाए उसकी ही जो है आवश्यकता यानी नीड थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. पूरी सुबह लंचो अपने खेतों के बारे में घनिष्ठता से जो है जो जानता था उसके बारे में वह हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट. वह दूसरा कुछ किए बगैर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर सिर्फ देखा कर. Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें सचमुच पानी प्राप्त होने जा रहा है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." सुपर का भी अर्थ हुआ रात्रि का भोजन और डिनर का अर्थ भी हुआ रात्रि का भोजन. विलिंग मने हुआ चाह या इच्छा. यानी लंचो की पत्नी ने रात का खाना तैयार जो कर रही थी उसने कहा लंचो जब कहा कि हमें बारिश प्राप्त होने जा रही है पानी वर्षा के द्वारा तो उसने कहा कि ये भगवान की इच्छा. फिर उसने बड़े लड़के जो खेत में काम कर रहे थे और छोटे जो घर के नज़दीक खेल रहे थे उसको उसने बुलाया कि आओ डिनर ले लो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील डाइट जस्ट ए लंचो हैड प्रिडिक्टेड. यानी पूर्वानुमान प्रिडिक्टेड का मीन्स हुआ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. भोजन के दौरान जैसो लंचो ने प्रिडिक्टेड यानी पूर्वानुमान किया था वर्षा की बड़ी बड़ी बूंद गिरनी शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching.
उत्तर पूर्व में विशाल पर्वत रूपी बादल दिखाई दे रहे थे। नज़दीक आते हुए अप्रोच करते पहुंचते हुए द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी बिना किसी अन्य कारण की अपेक्षा किए शरीर पर बारिश की बूंदों का या बारिश का आनंद लेने के लिए गया, और जब वह अंदर आया, व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आर इंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। वह जो है आश्चर्य में कहा कि यह जो आकाश से बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं, रेनड्रॉप्स, दे आर न्यू क्वाइंस, ये वर्षा की बूंदें नहीं, रियल में यह जो है नए क्वाइंस यानी सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंद जो है वह 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी बूंद जो है वह 5 पैसे के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉन विथ हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, और सेटिस्फाइड मालूम होगा संतुष्टि की अभिव्यक्ति से उसने अपने पकी फसल के खेत की ओर फूलों सहित बरसात रूपी चादर से लिपटे देखा। तभी अचानक जो है तेज़ हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स मने हुआ मोती। ये वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े हुए भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली, आई डिड नॉट पास क्विकली। आदमी चिंताग्रस्त होते हुए कहा, ये वास्तव में अब अनर्थ होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र यह समाप्त हो जाए, यानी यह बर्फ़ गिरने वाली सिचुएशन जो है वह गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा, पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड। एक घंटे तक यह हेल यानी बर्फ ओले जो है पड़ते रहे घर पर, बगीचे में, पहाड़ी के हिल साइड में और फसल के खेत में। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे, यानी इतनी मोटी बर्फ के ओले गिरे कि पेड़ के सारे पत्ते जो है ख़त्म हो गए। फसल जो है कॉर्न वह भी जो है टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। फ्लावर्स जो है वे भी जो है झड़ गए फूल अपने पौधे से। लेंचो की आत्मा जो है उदास हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब तूफान ख़त्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन। वह खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटे से कहा, ए प्लग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी शैल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ऑल आउट वर्क फॉर नथिंग, देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। लोकटस का अथवा टिड्डो का दल जो किसी खेत में झुंडों में चलता है, वो तो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने पुत्र से कहा कि टिड्डी दल के उपद्रव में कुछ से भी ज़्यादा यह जो है भयानक है कि वह कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन इस ओलावृष्टि से कुछ भी नहीं बचा, सबका सब जो है नष्ट हो गया। इस वर्ष हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा,
वह रात बड़ा ही दुखदाई थी। सारी उसके मेहनत पर पानी फिर गया, बेकार चली गई। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम लोगों को अब भूखे रहना होगा। बट अब यहाँ कुछ ओरल क्वेश्चंस क्रिएट हुए। व्हाट डिड लंचो होप फॉर, यानी किस चीज़ की उसने आशा की। व्हाई डिड लंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस, क्यों उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों की तुलना उसे नए सिक्कों से तुलना की। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लंचोज फील्ड, लंचो के खेत के साथ क्या हुआ। व्हाट वेयर लंचोज फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप्ड, और जब ओला बंद हुआ तब उसने क्या अनुभव किया। इस तरह से हर पैरा या पढ़ने के बाद हम उससे जो है क्वेश्चन क्रिएट करके उसका आंसर लिखेंगे और उसे जानेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सभी अब उसके पास एक ही आशा बची थी कि उसे दूसरा कोई तो मदद नहीं कर सकता। अब ईश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सके। टू नॉट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यद्यपि यह पूरी हानि इस फसल नष्ट होने से हुई थी, लेकिन बोला कि परेशान नहीं हो, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। यानी जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने जब जन्म दिया है तो वही जो है खाने के लिए, यानी हमारा पेट भरेगा पालेगा। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वह कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। लंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टील ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड क्राई टू टाउन एंड पैलेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। पूरी रात लंचो अपने केवल एक आशा के विषय में सोचने लगा कि भगवान की सहायता, जिसकी आँखें जैसी उसे शिक्षा मिली थी, वह जो है अपने अंतःकरण की गहराई से इस बात को सोचने लगा कि वह जो है एक ऑक्स यानी बैल की भांति खेतों में पशु की तरह काम करने वाला, जो लिखना फिर भी वह लिखना जानता था। आगामी रविवार के प्रातः उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया और अपने आप शहर ले जाएगा और उसे ले जा करके उसने जो है डाक में डालेगा। यह भगवान के नाम पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड ए 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग। उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मेरा परिवार जो है वह हंगरी यानी भूख से मर जाएगा, इसलिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है कि मैं जो है अपने खेत में पुनः क्रॉप्स लगा सकूं जब तक नए फसल आए जो हेल स्टोन के कारण जो है नष्ट हो गए। ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने लिफाफे के अंदर भगवान के लिए लिखा हुआ पत्र को डाला और चिंताग्रस्त शहर की ओर चल पड़ा और डाकघर जाकर के उसने उस पर टिकट लगा करके उसे डाक पेटी यानी मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन ही ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोज दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो
also broke out laughing, but also immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. Comment, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote his letter, starting up a correspondence with God. Amiable का अर्थ हुआ friendly और pleasant यानी खुश मिजाज। उस डाकघर के कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन यानी डाकिया था और डाकघर में हेल्प किया करता था, जो हार्दिक रूप से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और भगवान को लिखा पत्र उसको जो है दिखाया। डाकिये के रूप में उसके पूरे लाइफ के कैरियर में यानी जो आपसे काम करता था, ऐसा कोई पत्र जो भगवान के नाम से लिखा हुआ उसे मिला नहीं था। जो पोस्टमास्टर था डाकपाल, वह एक मोटा और खुशनुमा व्यक्ति था और मिलनसार भी था। वह जब उसे दिखाया वह पत्र गॉड वह, तो वह भी हंस पड़ा, लेकिन फिर अचानक जो है वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपनी मेज से पटकर उसे कहा, कितना विश्वास है, मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना ही विश्वास हो भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। यानी वह लेंचो के फेथ से प्रभावित हुआ। सो इन ऑर्डर नॉट ए सेक द राइट्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को न तोड़ने की खातिर, यानी उसके अंदर भी जो हुआ कि मेरे अंदर भी इस लेटर को लिखने वाला व्यक्ति यानी लेंचो की तरह मेरे अंदर भी ईश्वर में विश्वास अगर हो, इस बात को सोचते हुए वह बोला कि मुझे इस व्यक्ति के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए और इसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए इस पत्र का आंसर यानी जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल इंक एंड पेपर। जब उसने पत्र को खोला तो यह स्पष्ट हुआ कि उसे की सद्भावना, स्याही यानी इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है, और चीज़ की ज़रूरत इसका जवाब, पत्र का जवाब देने के लिए पेपर, स्याही और अच्छी भावना, सद्भावना की आवश्यकता नहीं, बल्कि कुछ और की ज़रूरत थी, क्योंकि उस चिट्ठी में हम पहले ही बताया कि उसने जो है 100 पैसे का मांग किया था।